ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनली मुकाबला हो गया, जिसका सबको इंतजार था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला गया और भारत ने पाकिस्तान को दे दी 8 विकेटों से मात। 8 का जो वेट था वो फाइनली यहाँ पूरा हो गया। भारतीय टीम जो है ये मुकाबला महामुकाबला जीत चुकी है। जहाँ उम्मीद था कि नेक टू नेक मुकाबला देखने को मिलेगा, नेक टू नेक तो नहीं मिला, काफ़ी वन साइडेड जीत यहाँ पे पाई है भारतीय टीम ने। लेकिन वही बात करें, इस मुकाबले में स्टार परफॉर्मर जो रहे वो रहे भारत के कप्तान रोहित शर्मा। कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला, 86 रनों की इन्होंने लाजवाब पारी खेली, तो साथ ही कर लिया एक खास रिकॉर्ड अपने नाम। आपको बता दें, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर दी पाकिस्तान की टीम ने और उनकी इनिंग में, पहली इनिंग में जब पूरी टीम एक भी छक्का लगाने में असफल रही, भाई रोहित शर्मा अपनी बल्लेबाजी में अकेले 6 छक्के यहां पे लगा दिए और इसी के साथ खास रिकॉर्ड ही अपने नाम करा कि उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 300 छक्के पूरे कर लिए। तो ओडीआई में 300 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले की लिस्ट में जो है उनका नाम आ चुका है। इस लिस्ट में जो अभी तक शामिल है वो है वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल, जिन्होंने 331 छक्के लगाए हैं ओडीआई में। तो वही टॉप पे आते हैं पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज शाहिद अफरीदी, जिन्होंने 351 छक्के लगाए हैं। तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने 300 छक्के पूरे कर लिए ओडीआई में। इंडिया का जो दूसरा मुकाबला इस वर्ल्ड कप में हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ, उन्होंने वहाँ पे भी रिकॉर्ड अपने नाम किया था कि इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले जो बल्लेबाज बन गए थे रोहित शर्मा। तो अब ओडीआई में 300 छक्के उन्होंने पूरे कर दिए हैं। रोहित शर्मा काफ़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड कप की शुरुआत में पहला मुकाबला जो इंडिया का हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहाँ पे 0 में भले ही आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ 131 की पारी खेली। तो अब पाकिस्तान के खिलाफ 86 रनों की पारी खेल चुके हैं। सब लोगों को ये उम्मीद है कि इस वर्ल्ड कप में 2019 वर्ल्ड कप वाली जो रोहित की हमें झलक देखने को मिल सकती है, और जो कि दिख भी रही है। और यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में जो रोहित शर्मा फिर से एक बार लीडिंग रन स्कोरर बन सकते हैं। आपको रोहित की दमदार बल्लेबाजी कैसी लगी मुझे फटफट से कमेंट जरूर बताइए। आप तूफान स्पोर्ट इज लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।